हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लेसन है उसका है। देखिए जो क्वेश्चन से प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी जिसको हम कहते हैं एलईडी कहते हैं ना, तो उस डायोड उसका परिपथ चित्र बनाना है और उसकी क्रिया विधि फॉर्मेशन हमें समझना है ना। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, फिर इसका परिपथ चित्र बनाएंगे, फिर इसके हम थ्योरी समझेंगे ठीक है, और इसके उपयोग है ना। तो आपको वीडियो एंड तक देखना और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता रहता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो यह एक अत्यधिक यानी कि यह एक अत्यधिक मादित अग्रवाशिक यानी फॉरवर्डिंग वाइशिक पीएन संधि डायोड होता है ना, जिसमें ये क्या होता है ये ध्यान रखना, अग्रबाईचित होता है, पच बाईचित नहीं होता है ना। तो जो बाइशिंग में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा ने लाइट एनर्जी में बदल देता है। तो ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है, तो ये है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक परिपथ चित्र बनाया जो भी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी भाग यानी और एन भाग है ना, पी डायो पी अर्चालक और एन अर्चालक से बना है, जहाँ पर पी अर्चालक की तरफ होल है ना, तो ये होल है और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन है, होल इलेक्ट्रॉन एन भाग की तरफ गति करेंगे और ये एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गति करेंगे, जो आपस में यहाँ पर एक बिंदु पर थोड़े समय के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आगे थ्योरी में समझाया, तो ये यहाँ पर देखिए तो ऊर्जा मुक्त होती हैं और ये दृश्य क्षेत्र में होती है ना, तो ये क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस बैटरी हैं या कुंजी हैं है ना, तो ये यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा है, तो इसका ये परिपथ चित्र बनाया है। जब ये कुंडली चालू हो कुंजी शुरू होगी तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा नहीं होगी है ना। तो देखिए यदि संधि डायोड GaAs यानी गैलियम आर्सेनिक या INP जैसे अर्चालकों से बना है, कौन सा, ये पीएन संधि डायोड, तथा इसे अग्रबाईसित किया जाए, यदि हम इसको फॉरवर्डिंग बाईसित करें तो क्या होगा, अर्चालक तो इलेक्ट्रॉन एन भाग से पी भाग की ओर गति करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन करेंगे एन भाग से पी भाग की ओर गति और पी होल पी भाग से एन भाग की ओर गति करते हैं। जो हमने परिपथ चित्र में बनाया है वो थ्योरी में लिखा है, तो होल होंगे वो कहाँ गति करेंगे, पी भाग से एन भाग की ओर गति करेंगे। इससे संधि के निकट यानी संधि जहाँ यहाँ पर इनका जोड़ होगा, संधि के निकट क्या हो जाती है, आविष्वाहकों का पुनः संयोजन इनका एडिंग हो जाता है, पुनः संयोजन हो जाता है, दोनों का होल का भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का भी हो जाता है एक निश्चित सीमा पर है ना। तो इस संधि के निकट आविष्वाहकों का पुनः संयोजन होता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जो ये ऊर्जा होती है एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और ये ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल कोटि की होती है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल कोटि होती है उसके उसके गैप में ये क्या होती है, एनर्जी होती है जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होती है, और ये किसके क्षेत्र में होती है, दृश्य क्षेत्र में होती है। तो ये हमने इसका चित्र बनाया और इसकी जो ये थ्योरी थी वो हमने लिख दी, और यहाँ पर देखिए ये प्रतीक चिन्ह बनाए हैं, ये पीएन संधि डायोड से बना है, जैसे एलईडी का ये परिपथ चित्र है। अगर आपको पूछे प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रतीक बनाइए, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रतीक ये होता है, ये एक नंबर में आपको पूछ सकते हैं। तो ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रतीक है ना। तो अग्रदिशिक धारा बढ़ने के साथ जो ये फॉरवर्डिंग बाइस होता है, तो अग्रदिशिक धारा ही बढ़ेगी, तो इसमें धारा का संयोजन कम नहीं होगा, हमेशा अपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। अग्रदिशिक बाया में धारा बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाती है। जब इसकी धारा बढ़ेगी तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो उसमें जो प्रकाश की तीव्रता होती हैं, प्रकाश की तीव्रता आई होती हैं, वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती हैं, अधिकतम हो जाती हैं। इससे अधिक अग्रदिशिक धारा में वृद्धि होने पर प्रकाश की तीव्रता घटने लगती है, जैसे कि एक निश्चित सीमा, जैसे कि ये देखिए एक मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम प्रकाश अग्रदिशिक धारा बढ़ने के साथ साथ यहाँ अगर हम धारा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो इसकी तीव्रता होगी वो एकदम बढ़ेगी है ना, पर एक निश्चित समा हो सीमा होगी है ना, यहाँ तक बढ़ जाएगी, बाद में ये घटने लगेगी एकदम है ना। तो ये अगर विशेष धारा में घटने वृद्धि होने के साथ प्रकाश की तीव्रता क्या होने लगती है, घटने लगती हैं है ना। यहाँ पर देखिए नोट है, ये आपको लिखो तो भी है ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई नहीं, ऐसा ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। जिन अर्थसालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए है ना।
को जो अर्धचालक होते हैं जिनका उपयोग हम दृश्य एलईडी में करते हैं, दृश्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड में करते हैं के निर्माण में होता है, उनका जो बैंड अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो कम से कम कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए गैल्सियम आर्सेनिक INP ये 0.4 ये 0.6 का उपयोग लाल LED बनाने में किया जाता है, यानी कि लाल प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाने में किया जाता है। इस प्रकार GS का उपयोग अवरक्त LED यानी अवरक्त प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाने में किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका हमने फॉर्मेशन क्लियरली समझी, उसके बाद इसका परिपथ चित्र समझाया, उसकी थ्योरी समझी, तो ये आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो ये आप पूरा थ्योरी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।